इन सी शार्प वी आर हैविंग द टू टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग. एक तो हम लोग करते हैं कॉन्सोल प्रोग्रामिंग, एक हम लोग करते हैं कॉन्सोल प्रोग्रामिंग, और दूसरा होता है हमारा विंडोज प्रोग्रामिंग. तो फिलहाल जो अभी हम लोग को बात करनी है वो करनी है कॉन्सोल प्रोग्रामिंग की. तो यदि मैं यहाँ पे कॉन्सोल प्रोग्रामिंग की बात करूँ, दिस इज हाउ वी कैन राइट द प्रोग्राम. यदि मैं अपने फर्स्ट प्रोग्राम की बात करूँ तो मैं फर्स्ट प्रोग्राम कुछ इस तरीके से लिखूंगा. ये रहा जी हमारा क्लास. ऑलवेज प्रोग्राम हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम द क्लास. जैसे मान लो मैंने क्लास का नाम दे दिया ए, और अब हमें यहाँ पे जो भी डालना है वो डालना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में. दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम. पब्लिक स्टैटिक वॉइड में दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम. और मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं सिस्टम डॉट कॉन्सोल डॉट राइट लाइन. सिस्टम क्या है? सिस्टम इज द नेम ऑफ द नेम स्पेस, कॉन्सोल इज द नेम ऑफ द क्लास, एंड राइट लाइन इज द नेम ऑफ द मेथड. अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ प्लीज एंटर नेम. अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई आप एक नाम एंटर करो और वो डिस्प्ले होना चाहिए. नॉर्मली किसी भी लैंग्वेज के अंदर ये पहला प्रोग्राम होता है हमारा. तो मैं चाहता हूँ भाई आप एक नाम एंटर करो, वो नाम जो है हमारा डिस्प्ले होना चाहिए. तो इनपुट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं स्ट्रिंग एनएम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे बोलता हूँ सिस्टम डॉट कॉन्सोल डॉट रीड लाइन. रीड लाइन होता है इनपुट करने के लिए. जो भी आप इनपुट करोगे यहाँ पे वो एनएम में आएगा, और उस नाम को मुझे डिस्प्ले करना है. तो डिस्प्ले करने के लिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ सिस्टम डॉट कॉन्सोल डॉट राइट लाइन, और मैं यहाँ बोलता हूँ द नेम इज, जो भी हमारा नाम है वो नाम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ. उस नाम को डिस्प्ले करना है तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ प्लस एनएम. प्लस होता है कॉन्कैटिनेट करने के लिए. ये हमारा क्या है? दिस वन इज द कॉन्स्टेंट. ये हमारा कॉन्स्टेंट है और ये हमारा वेरिएबल है. तो वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट दोनों चीज़ों के बीच में, चूंकि ये कॉन्स्टेंट है, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं, जिसको हम लोग स्ट्रिंग लिटरल्स भी बोलते हैं. और ये हमारा वेरिएबल्स है, और इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करने के लिए हम यहाँ पे प्लस लगा रहे हैं. मैं इसे सेव कर लेता हूँ ई ड्राइव के अंदर. मैं इसे सेव कर लेता हूँ बाय द नेम ऑफ prg1.cs. p1 कर देता हूँ मैं, p1.cs. अब मुझे क्या करना है? ये जो प्रोग्राम मैंने बनाया है इसे रन करना है. तो जब कभी भी हमें सी शार्प में रन करना है अपने प्रोग्राम को, तो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू यूज द डेवलपर अकाउंट. हमें यहाँ पर डेवलपर अकाउंट ओपन करना है. तो मैं यहाँ पर क्या बोलता हूँ? मैं यहाँ पर बोलता हूँ डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट. मैं यहाँ पे लेता हूँ डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट. अब जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे ओपन हो जाता है, जहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं. और इस कमांड प्रॉम्प्ट को तुम चेंज भी कर सकते हो. यहाँ से आके मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आता हूँ, और प्रॉपर्टीज में आने के बाद मैं इसका टेक्स्ट कलर मान लो ये डाल देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मान लो मैं ये डाल देता हूँ. तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ. मैं फॉन्ट ले लेता हूँ, मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ. तो यहाँ से आके मैं चेंज भी कर सकता हूँ. अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? अपने प्रोग्राम को रन करना है. अभी मैं कौन से ड्राइव में हूँ? सी ड्राइव में. मुझे ई ड्राइव में जाना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? ई कॉलन. मैं ई में आ गया, और जस्ट आई एम राइटिंग csc द नेम ऑफ द फाइल p1.cs. अब आप यहाँ पे देखो ये प्रोग्राम हमारा कंपाइल होगा. कंपाइल होने के बाद यहाँ पे कौन सी फाइल बनेगी? यहाँ पे फाइल बनेगा p1.exe. सी शार्प में कंपाइल होने के बाद exe फाइल बनती है. अब मुझे इसे रन करना है, तो रन करने के लिए मैं नाम दे दूंगा p1, और बोल रहा है ये प्लीज एंटर योर नेम. मान लो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ संतोष, एंड वी आर गेटिंग द रिजल्ट, द नेम इज संतोष. सो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है कि आप इनपुट कैसे करोगे, आप यहाँ पे डिस्प्ले कैसे करोगे. अब इसी प्रोग्राम को फाइल सेव कर लेता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे करता हूँ सेव एज. मैं बोलता हूँ p2.cs. अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ? मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई आप बार बार यहाँ पे लिख रहे हो सिस्टम, यहाँ भी लिख रहे हो सिस्टम, यहाँ भी लिख रहे हो सिस्टम. तो ये बार बार सिस्टम लिखने से बेहतर है कि आप यहाँ पे ऊपर में कर दो. मैं यहाँ पे बोल देता हूँ यूजिंग सिस्टम. अभी तुमने ऊपर में यूजिंग सिस्टम लगा दिया है, तो यहाँ पे बार बार ये सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं है. इस सिस्टम को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से भी हटा देता हूँ, और इस सिस्टम को मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ. अब यदि मैं रन करूँ तो ये तब भी काम करेगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने ऊपर में यूजिंग सिस्टम डाल दिया है. अब यदि मैं p2 करूँ तो ये अपना रन करेगा. मैं यहाँ पे देता हूँ संतोष, सेम रिजल्ट है, सब कुछ सेम है, केवल मैंने यहाँ पे देखो द नेम इज संतोष, सब कुछ मैंने ऊपर में क्या लगा दिया? यूजिंग का मतलब आप इस पर्टिकुलर नेम स्पेस को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हो अपने प्रोग्राम में. जैसे हम लोग सी वगैरह में लिखते हैं include, जावा में लिखते हैं इंपोर्ट, यहाँ पे लिखते हैं यूजिंग सिस्टम. इसका मतलब अब मुझे कहीं भी सिस्टम लिखने की जरूरत नहीं है. तो इस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं. एक चीज़ यहाँ पे और,
मैं यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, मान लो मैं यहाँ बोलता हूँ p3.cs। अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ यूजिंग एजाइल इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे बोल देता हूँ सिस्टम डॉट कॉन्सोल। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने सिस्टम डॉट कॉन्सोल को एक एलियास नेम दे दिया, एक मैंने यहाँ पे निक नेम दे दिया, मैंने क्या बोल दिया एजाइल। तो जहाँ पे भी मैं एजाइल लिखूंगा उसका मतलब होगा सिस्टम डॉट कॉन्सोल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एजाइल डॉट राइट लाइन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एजाइल डॉट रीड लाइन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एजाइल डॉट राइट लाइन। अब ये देखो काम करेगा, इसका मतलब ये है सिस्टम डॉट कॉन्सोल। जहाँ जहाँ तुम एजाइल लिखोगे तो बाई डिफॉल्ट वो सिस्टम डॉट कॉन्सोल ही मानेगा उसे। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो ये प्रोग्राम भी हमारा यहाँ पे काम कर रहा है, एज सच यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये प्रोग्राम हमारा रन करेगा। मैं यहाँ बोलता हूँ P3 और ये हमारा रन करके आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, यहाँ पर हम इसको बोलते हैं एलियास नेम, एलियासिंग करना। अब मान लो मैं यहाँ पे देता हूँ संतोष और मेरे पास रिजल्ट आ रहा है हमारा द नेम इज संतोष। सो इस तरीके से हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, उसको यूज़ करते हैं। फाइल सेव, ये आपने यहाँ पे क्या यूज़ करा है, आपने एलियास नेम लगा दिया है, एलियास नेम आपने यूज़ कर दिया है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे यदि बात करूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ p4.cs। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई आप नंबर इनपुट करें, नंबर इनपुट करें और जो भी नंबर आप इनपुट करें उसका सम डिस्प्ले कर। बड़ा छोटा सा एग्जांपल, एक नंबर भाई आपको नंबर कुछ एंटर करने हैं उसके सम निकालने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ सिस्टम डॉट कॉन्सोल डॉट और राइट लाइन की जगह राइट ले लो, ज़्यादा बेहतर है, उसी लाइन में आपको एंटर करनी पड़ेगी वैल्यूज़ को। मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्लीज़ एंटर नंबर वन और जो भी आप नंबर यहाँ पे एंटर कर रहे हो इनपुट करने के लिए मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग एन इज इक्वल टू। अगेन मैं यहाँ पे बोलता हूँ सिस्टम डॉट कॉन्सोल डॉट रेड लाइन, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ सिस्टम डॉट कॉन्सोल डॉट रेड लाइन, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और जो भी आपने यहाँ पे इनपुट लिया है और भी आपको इनपुट लेने हैं, यहाँ पे फिर से आप इनपुट ले लो, फिर से आप यहाँ पे इनपुट ले लो और फिर से आप इनपुट ले लो। मैं तीन इनपुट ले रहा हूँ, प्लीज़ एंटर नंबर टू और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ प्लीज़ एंटर नंबर थ्री। और मैं इसको अलग अलग वेरिएबल में लेता हूँ, इसको एन में ले लिया, इसको एम में ले लेते हैं और मैं इसको ले लेता हूँ एक अलग वेरिएबल पी में। अब मुझे क्या करना है कि ये जो मैंने वेरिएबल लिया है यहाँ पे एन एम पी, इन तीनों को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ int सम इज इक्वल टू, अब मुझे क्या करना है एन प्लस एम प्लस पी। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हमारा एन एम और पी है ये आपने यहाँ पे स्ट्रिंग में लिया है, तो मुझे इस स्ट्रिंग को क्या करना होगा, इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा। याद रखना जो हमारा सिस्टम डॉट कॉन्सोल डॉट रीड लाइन होता है इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो स्ट्रिंग होता है, ये जब भी रिटर्न करेगा वैल्यू को तो स्ट्रिंग में करेगा। यदि मैं यहाँ पे इंट एन लिख दूँ तो अब ये एरर दे देगा, क्यों, क्योंकि आप रीड लाइन जब भी लेते हो तो उसका जो रिटर्न टाइप होता है वो स्ट्रिंग होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग डाल दी। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग को मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं इंट डॉट पार्स। पार्स का पी कैपिटल है चूंकि ये मेथड का नाम है, चाहे तो मैं यूज़ कर लूँ इंट डॉट पार्स, मतलब आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो, या फिर मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँ सिस्टम डॉट इंट 32.parse। ये दोनों एक ही बात है, चाहे मैं वैसे लिख दूँ चाहे ऐसे लिख दूँ। याद रखना .NET के अंदर सिस्टम डॉट इंट 32 इसका ही नाम इंट है। जैसे होता है ना किसी का नाम होता है मान लो राजीव रंजन द्विवेदी और घर का नाम होता है चिंटू पिंटू, तो ये समझ लो ये नाम है राजीव रंजन द्विवेदी और ये क्या है, ये है चिंटू, ये है पिंटू। तो मेरे कहने का मतलब ये हमारा क्या है, ये एलियास नेम है, यानी कि एक्चुअली में जब तुम इंट लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट इंटरनली .NET उसको समझता है सिस्टम डॉट इंट 32, ये हमारा सिस्टम डॉट इंट 32 का एलियास नेम है। तो चाहे मैं इंट लिख दूँ इस तरीके से या मैं यहाँ पे लिख दूँ सिस्टम डॉट इंट 32, ये दोनों एक ही बात है। अच्छा दूसरी चीज़ और कि यहाँ पे तुम एक चीज़ और यूज़ कर सकते हो कन्वर्ट करने के लिए, मैं यूज़ करता हूँ सिस्टम डॉट कन्वर्ट डॉट टू इंट 32, सिस्टम डॉट कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ किसमें, इंटीजर में। ये तीन चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसी भी नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। अब मुझे क्या करना है, ये जो हमारा सम आया इस सम को डिस्प्ले करना है, तो सम को डिस्प्ले करने के लिए हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम यहाँ बोलते हैं भाई हम यहाँ बोलते हैं सम एज, और ये जो हमारा सम है हम इसको डिस्प्ले कर रहे हैं, मैं यहाँ बोलता हूँ प्लस सम। अब यदि मैं इसको रन करूँ, यदि मैं इसको रन करूँ यहाँ पे, मैं यहाँ बोलता हूँ csc, प्रोग्राम का नाम क्या है p4.cs
अब मैं यहाँ बोलता हूँ P4। अब यदि मैं इसे रन करूँ यहाँ पे, जो भी इनपुट डालना है डाल दो। ये देखो मैंने यहाँ पे इनपुट डाल दिया, प्लीज एंटर नंबर 1 2 3, मैंने इनपुट डाल दिया और ये हमारा सम निकाल के दे दिया 99। अब यहाँ पे हमारे लिए जो समझने वाली बात है वो क्या है, याद रखना, जब हम लोग यूज़ करते हैं सिस्टम डॉट कॉन्सोल डॉट रेड लाइन, ये आपको पता है कि रेड लाइन हमारा क्या है, इट्स अ मैथड, ये हमारा मैथड है। हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, यूज फॉर इनपुट, इनपुट लेने के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो स्ट्रिंग होता है, ये हमेशा स्ट्रिंग डालें, इसलिए मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग लेना हमारी मजबूरी है, स्ट्रिंग लेना हमारी मजबूरी है क्योंकि ये रिटर्न टाइप स्ट्रिंग लेता है, पहली चीज़। अब मुझे क्या करना है कि ये जो हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, इंटीजर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक तो होता है सिस्टम डॉट इन 32 डॉट पार्स, याद रखना पार्स एक मेथड है जिसका काम होता है स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना। स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिस्टम डॉट इन 32 डॉट पार्स। याद रखना ये जो यहाँ पे सिस्टम तुम लिख रहे हो, सिस्टम तुम्हें पता है सिस्टम क्या है, सिस्टम एक नेम स्पेस है, सिस्टम हमारा क्या है, ये हमारा एक नेम स्पेस है। और ये इन 32 क्या है, देखो .NET के अंदर जो कुछ भी है या तो वो क्लास है नहीं तो स्ट्रक्चर है, ये जो हमारा इन 32 है वो क्या है, एक स्ट्रक्चर है, यहाँ जो हम लोग सी ओ वगैरह में स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना वही। और ये जो पार्स है ये हमारा क्या है, ये पार्स हमारा यहाँ पे मेथड, ये जो पार्स है हमारा ये हमारा एक मेथड है। तो सिस्टम डॉट इन 32 डॉट पार्स, तो पार्स एक मेथड है जो कि इन 32 स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन है, और ये इन 32 कहाँ पे डिफाइन है, सिस्टम डॉट सिस्टम के अंदर। तो इसका काम होता है स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना। याद रखना जो हम लोग काम कर रहे हैं सिस्टम डॉट इन 32, वही काम हम ऐसे भी कर सकते हैं इंट डॉट पार्स, ये दोनों एक ही चीज़ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो याद रखना इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि चाहे तो मैं लिख दूँ सिस्टम डॉट इन 32 और चाहे मैं लिख दूँ इंट, ये दोनों एक ही बात है। मान लो मैं बोलता हूँ सिस्टम डॉट इन 32 और इज इक्वल टू इंट, ये दोनों एक ही चीज़ है, दोनों का मतलब एक ही होता है, ये इसका एलियास नेम है, ये इसका क्या है, एलियास नेम, ये इसका एलियास नेम जो हमें याद रखना है, ये हमारा एलियास नेम। और तीसरी चीज़ जो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं वो यूज़ कर सकते हैं सिस्टम डॉट कन्वर्ट डॉट टू इन 32, याद रखना ये भी एक फंक्शन है और इसका काम क्या होता है, यूज टू कन्वर्ट कन्वर्ट एनी डेटा टाइप टू इंटीजर, याद रखना दोनों में अंतर है। जो हम लोग यूज करते हैं ना सिस्टम डॉट इन 32 डॉट पार्स और सिस्टम डॉट कन्वर्ट डॉट टू इन 32, दोनों में एक अंतर है। और दोनों में अंतर क्या है कि ये जो हम लोग सिस्टम डॉट इन 32 डॉट पार्स यूज करते हैं ये हमारा स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है और ये किसी भी डेटा टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। यूज टू कन्वर्ट एनी डेटा टाइप टू इंटीजर, चाहे वो हमारा स्ट्रम कैरेक्टर हो चाहे वो हमारा फ्लोट हो, वो किसी को भी कन्वर्ट कर देगा। तो ये बातें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है और जब कभी भी हम काम करेंगे तो इस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करने के बाद काम करेंगे। फाइल सेव, इसी प्रोग्राम को मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ, सेम प्रोग्राम को मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूँ। अगर तुम नहीं चाहते हो कि बार बार तुम इतना लंबा चौड़ा कोड लिखो तो इसी काम को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। ये देखो जैसे मान लो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ, स्ट्रिंग की जगह मैं इंट ले लेता हूँ। अब तुम बोलोगे सर इंट ले लोगे तब तो दिक्कत आएगी क्योंकि ये तो इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होता है, तो आप एक काम करो ना यहीं पे डाल दो इंट डॉट पार्स, यहीं पे डाल दो ना इंट डॉट पार्स, क्या दिक्कत है, जो तुम वहाँ पे कन्वर्ट करवा रहे थे वो यहीं पे कर दो। जैसे फिर से आप यहाँ पे ले रहे हो, मैं यहाँ पे इंटीजर ले लेता हूँ INTM और यहीं पे डाल दो इंट डॉट पार्स या सिस्टम डॉट इन 32 डॉट पार्स, जो डालना है डाल दो, या सिस्टम डॉट कन्वर्ट डॉट टू इन 32 यहीं पे डाल दो। इसी तरह से मैं यहाँ पे एंटी ले लेता हूँ, तो यदि मैं इस तरीके से ले लूँगा, यदि मैं इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर लूँगा, इनपुट के टाइम में ही मैंने कन्वर्ट कर लिया, तो यदि मैं इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर लूँगा तो मुझे अब ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिखूँगा और ये काम करेगा। अब ये सब लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डायरेक्ट इस तरीके से लिखूँगा और ये हमारा यहाँ पे काम करेगा। अब यदि मैं इसको रन करूँ इस प्रोग्राम को, तो ये p5.cs, अब मैं यहाँ बोलता हूँ p5, अब यदि मैं यहाँ पे p5 में आता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ तो ये हमारा यहाँ पे काम कर रहा है, प्लीज़ एंटर नंबर, मैंने ये नंबर डाल दिया, अब ये हमारे यहाँ पे काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप लोग इनपुट लेते हो,
यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आप याद रखेंगे अपने क्वेश्चंस को, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम डॉट इन 32 डॉट पार्स इंटू डॉट पार्स एंड सिस्टम डॉट कन्वर्ट डॉट टू इन 32। मैंने अभी आपको बताया था, वो आपको ध्यान रखना होगा, आप पिछले प्रोग्राम्स को देख लेंगे, वहाँ पे सब लिखा हुआ है। फाइल में आ जाते हैं, हम इसको सेव कर लेते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर प्रोग्राम। सपोज हम बात करते हैं p6.cs। अब देखो यहाँ पे इनपुट लेने के लिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। इनपुट लेने के लिए एक तो हमारे पास होता है रीड लाइन। ये जो रीड लाइन होता है, इसका जो रिटर्न टाइप होता है, रिटर्न टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग। रीड लाइन के अलावा व्हाट वी कैन यूज रीड, हम रीड भी ले सकते हैं। और इसका जो रिटर्न टाइप होता है, इसका रिटर्न टाइप होता है इंटीजर। बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पर रीड लगा दूंगा तो काम हो जाएगा, जी नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। ये जो इंटीजर रिटर्न करता है, बेसिकली ये स्काई वैल्यू रिटर्न करता है, स्काई वैल्यू ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर, जो आपका पहला कैरेक्टर है उसका स्काई वैल्यू रिटर्न करता है, स्काई वैल्यू ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर। जैसे मान लो मैं यहाँ पर बोलता हूँ सिस्टम डॉट कॉन्सोल डॉट राइट लाइन, आप जो भी यहाँ पर डालो, एंटर नंबर या जो भी आपको डालना है, कोई लेटर डालना है लेटर डालो। अब मैं यहाँ बोलता हूँ इंट एन इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ बोलता हूँ सिस्टम डॉट कॉन्सोल डॉट रीड। अब यदि मैं इस एन को यहाँ पर डिस्प्ले कर दूँ, यदि मैं यहाँ पर एन को डिस्प्ले कर दूँ, एन इज इक्वल टू, यदि मैं यहाँ पर एन को डिस्प्ले करूँ, यहाँ पर मैं लगाता हूँ प्लस एन, तो ये एन की वैल्यू क्या आएगी। अवधि मैं इसे रन करता हूँ, मैं बोलता हूँ p6.cs। अब मैं बोलता हूँ p6, ये देखो मैं यहाँ पे नंबर डालूंगा या वैल्यू डालूंगा, जो भी डालने का मन करे वो डाल दो। मैं बोलता हूँ p6, मैं यहाँ पे बोलता हूँ a, मैंने दिया कैपिटल a, कैपिटल a का स्क्वायर वैल्यू होता है 65। मैंने ए बी सी दिया है, लेकिन ये पहला वैल्यू जो a है उसका स्क्वायर वैल्यू दे देगा, देखो क्या आ रहा है 65। तो तुमने दिया ए बी सी, वो दे रहा है 65। मान लो मैं रन करता हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ 1 का स्क्वायर वैल्यू होता है 49। ये देख, कीबोर्ड में जितने भी कैरेक्टर होते हैं, हर एक कैरेक्टर का अपना स्क्वायर वैल्यू होता है, तो यह हमें स्क्वायर वैल्यू रिटर्न करेगा। याद रखना स्क्वायर वैल्यू जो होता है, जो हमारा 0 to 9 होता है, वो स्टार्ट होता है 48 से 57 तक। मतलब 0 का होता है स्क्वायर वैल्यू 48, 1 का होता है 49। इस तरीके से जो हमारा कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक होता है, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक होता है 97 to 122। जो हमारा स्मॉल ए है उसका स्क्वायर वैल्यू होता है 97, और जो स्मॉल जेड है उसका होता है 122। यदि मैं यहाँ पर बोलता हूँ कैपिटल ए से कैपिटल जेड, इसका स्क्वायर वैल्यू जो होता है वो 65 से होता है, 65 से शायद 89 तक जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये हमारे स्क्वायर वैल्यूज होते हैं। तो ये जो रिटर्न करता है वो स्क्वायर वैल्यू रिटर्न करता है, स्क्वायर वैल्यू रिटर्न करता है। तो आप कोई भी नंबर डालोगे तो उसके बीच का स्क्वायर वैल्यू देगा, यदि आप ये डालोगे तो ये देगा, यदि आप ये डालोगे तो ये देगा। तो ये जो हमारा रीड है वो बिल्कुल अलग है। और रीड के अलावा एक चीज़ और यहाँ पर होता है इनपुट करने के लिए, हम लोग तो एक होता है रीड लाइन, एक होता है रीड, और एक होता है हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बस मैं एक प्रोग्राम दिखाता हूँ आपको। हम बोलते हैं यहाँ पे सिस्टम डॉट कॉन्सोल की इन्फो, ये क्लास है, इज इक्वल टू सिस्टम डॉट कॉन्सोल डॉट रीड की। एक होता है यहाँ पे रीड की, तो इनपुट करने के लिए एक होता है हमारे पास यहाँ पे रीड की। अब ये जो रीड की है ये क्या करता है, ये जो हमारा रीड की है ये क्या करता है, ये की रिटर्न करता है। मतलब तुम कोई भी की यदि प्रेस करते हो, अब जैसे मान लो तुमने F1 प्रेस किया तो F1 रिटर्न कर देगा, तुमने एंटर प्रेस कर दिया तो एंटर रिटर्न करेगा, तुम जो भी की प्रेस कर दोगे उस की को रिटर्न करेगा। मान लो एस्केप दे दिया तुमने तो एस्केप को रिटर्न करेगा, तो जो भी की दोगे उसको रिटर्न करेगा। और इसका जो रिटर्न टाइप होता है, इसका जो रिटर्न टाइप होता है, रिटर्न टाइप होता है कॉन्सोल की इन्फो, कॉन्सोल की इन्फो, ये इसका रिटर्न टाइप होता है। इसलिए मैंने यहाँ पर बोला सिस्टम डॉट कॉन्सोल की इन्फो के इज इक्वल टू सिस्टम डॉट कॉन्सोल डॉट रीड की। जो भी आपने इनपुट लिया यहाँ पे के में आ गया। अब मुझे इस वैल्यू को डिस्प्ले करना है कि भाई आपने क्या लिया है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ के इज इक्वल टू मैं यहाँ पर बोलता हूँ के डॉट। अब मैं इसको रन करूँ,
p7.p6.cs. अब मैं बोलता हूँ p6, नंबर डालो, मैंने दिया 1, 2, इसका वैल्यू आ गया 50। अब ये फिर से इनपुट करना है मुझे, मुझे यहाँ पे फिर से इनपुट करना है ये वाला रीड की। अब मान लो मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ F1, ये देखो आ गया F1। तो जो भी आप की प्रेस करोगे वो आ जाएगा। जैसे मान लो मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ, मैं यहाँ पे जो भी, ये तो पाला वाला तो रीड के लिए है, मान लो मैं यहाँ पे देता हूँ k6.cs k6, मैं यहाँ पे बोलता हूँ p6। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ नंबर a 65 आ गया। अब मान लो मैं यहाँ पे देता हूँ एस्केप, ये देखो एस्केप लिखा हुआ आ गया, आपने जो वैल्यू दिया था वो क्या है, एस्केप। तो मेरे कहने का मतलब कीबोर्ड से जो भी कोई की है उस की को ट्रैक करना है कि तुमने F1 प्रेस करा है या एस्केप को प्रेस करा है या एंटर को प्रेस करा है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं रीड की। तो इनपुट करने के लिए मेरे पास तीन चीज़ें हैं, रीड लाइन, रीड की और रीड। गारंटेड क्वेश्चन है तुम्हारे इंटरव्यूज़ का कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रीड लाइन, रीड की एंड रीड इन सी शार्प। और यही तीन डिफरेंस है जो आपको बताने हैं, किसका रिटर्न टाइप क्या होता है, इसके इस तरह से काम करता है, इसका क्या होता है और इसका क्या होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ चीज़ें और देखो यहाँ पे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे बोलता हूँ p7.cs। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ, यहाँ पे आप एक बात याद रखना, यहाँ पे मल्टीपल मेन मेथड भी हो सकते हैं, यहाँ पे हमारे मल्टीपल मेन मेथड भी हो सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये है, अब मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ system.console.writeLine main of class A। तो ये हमारा क्लास ए का मेन है। अब मैं यहाँ पे अलग क्लास बना लेता हूँ। ये ऐसी पहली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर आप मल्टीपल मेन यूज़ कर सकते हो, बाकी किसी भी लैंग्वेज में मल्टीपल मेन नहीं होता। ये देखो मतलब आप यहाँ पे मल्टीपल एंट्री पॉइंट बना सकते हो। अब मान लो मैं यहाँ बोलता हूँ मेन ऑफ क्लास बी। अब मेरे पास यहाँ पे दो मेन हैं इस प्रोग्राम के अंदर में, यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर में दो मेन हैं। अब यदि मैं इसे कंपाइल करूँगा तो कंपाइल करते वक्त यदि मैं लिखता हूँ csc p7.cs, अब ये कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि ये बेचारा यहाँ पे दो मेन मिलेगा, ये बेचारा परेशान हो गया। देखो तो आप इसे परेशान ना करें, आप यहाँ पे डाल दें /main:a, मतलब आप उसको बता दें कि जो हमारा मेन है वो कौन से मेन को मैं कॉल करने जा रहा हूँ, मैं ए वाले मेन को कॉल करने जा रहा हूँ, ये चीज़ आप यहाँ पे मेंशन कर दें p7.cs। ये देखो अब ये हमारा यहाँ पे क्या करेगा, ये केवल ए वाले मेन को कंसिडर करेगा, ये बी वाले मेन को कंसिडर नहीं करेगा। अब यदि मैं रन करूँ तो ये देखो मेन ऑफ ए आ रहा है। अब यदि मुझे बी वाले मेन को कंसिडर करवाना है तो मैं यहाँ बोलता हूँ main:b, अब ये केवल बी वाले मेन को कंसिडर करेगा। ये देखो अब यदि मैं इसे रन करता हूँ यहाँ पे तो ये केवल बी वाले मेन को कंसिडर करता है। तो दिस इज हाउ वी कैन पुट द मल्टीपल मेन इन द सी शार्प। सी शार्प के अंदर हम यहाँ पे मल्टीपल मेन मेथड भी डाल सकते हैं। कुछ चीज़ों को और समझ लो, फाइल सेव एज, मैं यहाँ पे बोलता हूँ p8.cs। अब देखो यहाँ पे हम लोग जैसे जावा में यूज़ करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो मैं आप बोलते हैं स्ट्रिंग, लेकिन यहाँ पे ये ब्रैकेट पहले लगता है, ध्यान रखना। ये उसी तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं जैसे हम लोग जावा में करते हैं, हम यहाँ बोलते हैं स्ट्रिंग args। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो भी तुम मैं चाहता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं कमांड लाइन आर्गूमेंट का मतलब क्या है, कमांड वाले लाइन में जो आर्गूमेंट देना है, आर्गूमेंट मतलब जो वैल्यू देना है, तो उसको हम बोलते हैं कमांड लाइन आर्गूमेंट का मतलब पासिंग वैल्यूज एट रन टाइम विथ फाइल नेम। जहाँ पर फाइल का नाम दे रहे हो वहीं पे आपको वैल्यू देना है। अब मैं यहाँ पे डिस्प्ले करना है, मान लो मैं चाहता हूँ, अब ये आपने क्या पास कर दिया, यहाँ पे एरे पास कर दिया। अब मान लो मुझे यहाँ पे उस वैल्यू को डिस्प्ले करना है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ args of 0। तो यानी कि जो तुम पहला आर्गूमेंट दोगे वो उसको लेके काम करेगा। यदि मैं इसे रन करूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे बोलता हूँ p8.cs, ये देखो अब मैं इसे रन कंपाइल कर दिया मैंने, और मैं इसे रन करते वक्त यहाँ पे क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ p8, अब मैं यहाँ पे देता हूँ संतोष, ये पहला आर्गूमेंट है, मैं यहाँ पे देता हूँ मनोज, ये दूसरा आर्गूमेंट है, मैं यहाँ पे देता हूँ राजीव, ये तीसरा आर्गूमेंट है। ये देखो जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, संतोष आ रहा है। तो कमांड लाइन आर्गूमेंट का मतलब ये होता है, जो फाइल नेम के साथ ही आपको वैल्यू देना है।
इसको जब भी आप कंपाइल करोगे तो कंपाइल करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे csc.ps, और कंपाइल करने के बाद आप क्या करोगे, जब आप इसे रन करोगे तो रन करते वक्त आप अपनी वैल्यू को पास करोगे। तो मैं बोलता हूँ p8, और जो भी मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूँ, तो ये जो तुमने यहाँ पे वैल्यू दिया ये कौन सी वैल्यू हो गई, 0। ये जो वैल्यू दिया ये कौन सा हो गया, 1। ये कौन सा हो गया, 2। इसी वैल्यू को देखो हम ऐसे भी दे सकते हैं। यदि मान लो मुझे यहाँ पे पूरा वैल्यू देना है, मान लो मुझे यहाँ पे देना है संतोष कुमार, तो यहाँ पे डबल कोटेशन देके कुमार दे दो। मान लो मुझे यहाँ पे वैल्यू देना है नरेंद्र कुमार, तो मैं यहाँ बोलता हूँ नरेंद्र कुमार। तो ये हमारा यहाँ पे दो ही आर्गुमेंट है, ये 4 नहीं है। यदि हम कुछ भी नहीं देते हैं तो स्पेस को कंसिडर कर लेता है वो, अदरवाइज इस तरीके से लेगा, देखो यार है संतोष कुमार, तो आप इस तरीके से भी यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो। और यदि मान लो मैं यहाँ बोलता हूँ सी कॉलन स्लैश, अब मैं यहाँ बोलता हूँ p8, अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मान लो मैं इस तरीके से वैल्यू दे दूँ, तो ये हमारा पहला आर्गुमेंट हो गया, और ये हमारा यहाँ पे दूसरा आर्गुमेंट हो गया। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट है और ये जो हमारा सेकेंड आर्गुमेंट है। तो इस तरीके से जब हम वैल्यू पास करते हैं उसको हम बोलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट। अब मैं यहाँ पे क्या चाहता हूँ कि भाई मैं कमांड लाइन आर्गुमेंट में जितनी वैल्यू दे दूँ सबको डिस्प्ले कर दे, मैं 2 वैल्यू दूँ तब उसको भी डिस्प्ले कर दो, और मैं 4 वैल्यू दूँ उसको भी डिस्प्ले कर दे। तो मुझे सारे वैल्यू को डिस्प्ले करना है, तो सारे वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, वी जस्ट नीड टू अप्लाई द फॉर लूप। हम यहाँ पे फॉर लूप लगा देते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ पे बोलता हूँ फॉर आईएनटी आई इज इक्वल टू 0, जो कि 0 से स्टार्ट होगा, और मैं यहाँ पे बोलता हूँ सेमी कॉलन, मैं बोलता हूँ आई लेस देन इक्वल टू args.length। लेंथ हमारा क्या है, प्रॉपर्टी है, तो उसकी जो लेंथ होगी वहाँ तक जाएगा ये, सेमी कॉलन, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ i++। अब मुझे क्या करना है, जो भी आपने यहाँ पर वैल्यू दिया उस वैल्यू को डिस्प्ले करना है, तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए क्या बोलता हूँ, मैं यहाँ बोलता हूँ system.console.writeline। मुझे क्या डिस्प्ले करना है, args ऑफ, मैं यहाँ पर i डाल देता हूँ, आई मतलब 0, 1, 2, 3, जितनी वैल्यू आप दोगे सबको ले लेगा। रन करो, मैं अब बोलता हूँ p9.cs, और अब मैं आप बोलता हूँ p9। अब यदि मैं इसे रन करूँ, ये देखो मैंने अभी कुछ भी नहीं डाला तो ये कुछ भी आउटपुट नहीं देगा। यदि मैं बोलता हूँ p9 और मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ, अब मैं यहाँ पे जितनी वैल्यू दे दूंगा सारे वैल्यू को डिस्प्ले करते हैं, क्यों, चूँकि आपने यहाँ पे क्या लगाया, फॉर लूप लगाया ना, आपने यहाँ पे फॉर लूप लगाया। अब यहाँ पे आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन ये है p10 डॉट, ये प्रोग्राम आप बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा। इस प्रोग्राम में करना है क्या है, कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू से आपको नंबर एंटर करने हैं, एंड जो भी नंबर आप एंटर करेंगे उसका सम डिस्प्ले करना है। तो ये जो प्रोग्राम है मैं इसको बाद में इसकी चर्चा करूँगा, आपको सम डिस्प्ले करना है।